हेलो व्यूअर्स, बिट बॉय डे के यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट पे लिखे और आप सबकी दुआ पे मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए ये न्यू रिएक्शन वीडियो लेके आज हम रिएक्ट देने वाला है टॉप 10 इंडियन बाइक्स पॉपुलर इन फॉरेन कंट्री। तो चलिए देखते हैं फॉरेन कंट्री में इंडियन का जो टॉप 10 बाइक्स है वो कितना पॉपुलर है और कौन कौन हुंडई यहाँ पे हैं। तो आप लोग लगे रहे हमारे साथ इन तक, ओरिजिनल जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उनका चैनल को जाके देख सकते हैं, उनका चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो था सजेस्ट, एक ब्रो मेरे को सजेस्ट किया था, उनका नेम और कमेंट जो है वो स्क्रीन पे शो करेगा, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्टेड वीडियो कितना अच्छा है। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। एक समय था जब भारत में इंपोर्टेड चीजों की काफी ज्यादा डिमांड थी, लोग अपने देश में बनी चीजों की कम और इंपोर्टेड चीजों की ज्यादा वैल्यू करते थे। मैंने पहले ही बोला था पुराना माल नहीं चलेगा, तुम इंपोर्टेड में कुछ नया दिखाओ। और बाइक्स के मामले में भी मार्केट ट्रेंड कुछ ऐसा ही था। पर अब सिचुएशंस काफी बदल चुकी हैं। भारतीय ऑटोमोटिव कंपनीज वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी खूब बिकती हैं। हेलो राइडर्स, यह है द ड्रूप राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में बनाई जाने वाली 10 ऐसी मोटरसाइकिल्स जो भारतीय मार्केट के साथ ही दूसरे कई देशों में भी काफी पॉपुलर है। सो लेट्स बिगिन। अगर मोटरसाइकिल्स बनाने की बात करें तो हमारे हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो की HF डीलक्स एक फ्यूल इफिशिएंट कम्यूटर बाइक है जो अपनी शानदार माइलेज और डिसेंट डिजाइन के लिए काफी पसंद की जाती है। पेश है नया हीरो होंडा सिटी डीलक्स, अब डीलक्स स्टाइलिंग, डीलक्स हेडलैम्प और डीलक्स ग्राफिक्स के साथ। जब बाइक है डीलक्स तब लाइफ है डीलक्स। 97cc के इंजन वाली इस बाइक में हीरो ने फ्यूल इंजेक्शन, एक्सेंस और i3S जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी दी है, जिसकी वजह से ये बाइक 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकती है। इसी वजह से लोग इस बाइक को काफी पसंद करते हैं। भारत के अलावा ये बाइक नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है KTM Duke 390 और 200। अब आप सोच रहे होंगे कि KTM तो भारतीय कंपनी नहीं है, तो फिर आखिर इसे इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? इसके पीछे का रीजन है बजाज। पिछले कई सालों से KTM बजाज के साथ काफी क्लोज अलायंस में काम कर रहा है और मिड टू स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली ड्यूक बाइक्स बजाज के प्लांट में ही बनकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। KTM Duke एक शानदार स्ट्रीट बाइक है जो अपनी अट्रैक्टिव स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से यंगस्टर्स की फेवरेट है। भारत के अलावा ये बाइक यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में भी खूब बिकती है। 8वें नंबर पर है TVS Star City। सुपर फ्यूल इकोनॉमी और डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाली ये बाइक TVS की तीसरी टॉप सेलिंग मॉडल है। भारत में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स TVS Star City को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमी क्लास वाली ये बाइक भारत के अलावा श्रीलंका और कोलंबिया में काफी पसंद की जाती है। 7वें नंबर पर है बजाज पल्सर। पल्सर भारत की सबसे सक्सेसफुल बाइक्स में से है, जिसने पूरे भारतीय टू व्हीलर मार्केट को बदल कर रख दिया। पल्सर की शुरुआत और भारतीय मार्केट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पल्सर भारत में जितनी पॉपुलर है उतनी ही दूसरी कई देशों में भी है। इंटरनेशनल मार्केट में पल्सर की डिमांड की वजह से ही बजाज एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा है। ये बाइक स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया जैसे कई देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है हीरो स्प्लेंडर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। भारत के साथ ही ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी बेची जाती है। लोग इस बाइक की सिंपल डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसे काफी पसंद करते हैं। पहली बार 1994 में लॉन्च होने के बाद से लेकर आज तक हीरो स्प्लेंडर मिडिल क्लास बायर्स की फर्स्ट चॉइस रही है। आई एम श्योर मेरी ही तरह आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में भी किसी न किसी के पास एक स्प्लेंडर तो जरूर होगी। 5वें नंबर पर है TVS Apache। पहली बार 2005 में लॉन्च हुई Apache भारतीय टू व्हीलर मार्केट की सबसे आइकॉनिक बाइक्स में से है।
ये बाइक अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। समय समय पर TVS ने इस बाइक में कई सारे अपग्रेड्स किए हैं। The new TVS Apache Matte Blue Edition, True Blue Races. 160, 180, 200 और 312cc इंजन वेरिएंट्स में आने वाली ये बाइक भारत में पल्सर के बाद दूसरी सबसे पॉपुलर बाइक है और भारत के अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और कुछ दूसरे एशियन देशों में भी काफी पसंद की जाती है। इस लिस्ट में आगे है वो बाइक जो भारत से ज्यादा भारत के बाहर पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज बॉक्सर की। ये बाइक भारत में तो बंद हो चुकी है पर अफ्रीका में खूब बिकती है। बॉक्सर 100 और बॉक्सर 150 भारत में बनाई जाती है और यहाँ से अफ्रीका के साथ ही कुछ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बजाज बॉक्सर अफ्रीका की टॉप सेलिंग और मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से है जो वहाँ के लोगों की डेली लाइफ में मजबूती से उनका साथ देती है। तीसरे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड मीटियोर। 350cc की ये नई बाइक क्लासिक 350 से ज्यादा स्टाइलिश और बोल्ड है। रॉयल इनफील्ड ने इसे भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका में भी लॉन्च किया है। स्मूथ और पावरफुल इंजन वाली इस रोडस्टर को हर जगह काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो रॉयल इनफील्ड ब्रांड की इंटरनेशनल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरे नंबर पर है बजाज डोमिनार। पल्सर से अलग ये बजाज का प्रीमियम सब ब्रांड है जिसमें 250 और 400 वेरिएंट की दो बाइक्स आती हैं। बजाज डोमिनार एक मॉडर्न क्रूजर बाइक है जो कंफर्टेबल और पावरफुल राइड एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन की गई है। ये बाइक नॉर्मल सिटी कम्यूट्स और लॉन्ग रेंज क्रूजिंग के साथ ही मॉडरेट ऑफ रोडिंग के लिए भी सूटेबल है। भारत के अलावा स्पेन, अमेरिका, फिलीपींस और पेरू जैसे देशों में भी डोमिनार को काफी पसंद किया जाता है। और पहले नंबर पर है रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT650 और इंटरसेप्टर 650। ये दोनों बाइक्स रॉयल इनफील्ड की सबसे पावरफुल और सबसे प्रीमियम बाइक्स हैं। रेट्रो स्टाइलिंग और 650cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक सुपर स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए ट्यून की गई है। भारत के साथ ही ये बाइक इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन देशों में भी काफी पसंद की जा रही है। ये सभी बाइक भारतीय डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a... तो वीडियो तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था यार। हमारा देश में तो इंडियन बाइक्स इतने सारा है और कोई कंट्री का नहीं है, इंडिया का है सारा। TVS, हीरो होंडा, बाजाज, रॉयल इनफील्ड, एगुलो माने इन सब हमारा देश में है और इतने पॉपुलर है हमारा देश में है। हीरो होंडा सब ऑफिशियल में हीरो होंडा यूज़ करते हैं और बाजाज, TVS एगुलो तो आसे ही, एगुलो इन सब तो है ही। क्या बोलूँ यार, बहुत पॉपुलर है और बाहर कंट्री में भी बहुत पॉपुलर है इंडियन बाइक। और जिस नाम बोला है बजाज पल्सर, ये वो तो बहुत पॉपुलर था हमारा देश में है और अभी भी है। और TVS Apache वो भी बहुत पॉपुलर है, अभी भी है, अभी भी चल रहा है हमारा देश में, बहुत है। और क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छा वीडियो था, सब बहुत कुछ जान चुका हूँ आज का वीडियो पे। कौन कौन होंडा है टॉप 10 पे इंडियन का जो बाइक है फॉरेन कंट्री में पॉपुलर, जो जिन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया था ये वीडियो, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आज का वीडियो बहुत अच्छा था, होंडा के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। और क्या बोलूँ, भारत का जो होंडा है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है यार, और बहुत माइलेज होता है, 60 से 70 होता है माइलेज वही हीरो होंडा का, इसलिए बहुत पॉपुलर है हमारा देश में भी और बाहर भी कंट्री में भी बहुत पॉपुलर है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट पे लिखे। और तो आज वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके फिर आ जाएंगे। तब तक आप लोग भला रहे, खुश रहे, बाय बाय।